पीसीएस ज्योति मौर्य की नौकरी छीनकर उनके बच्चों को देना चाहिए और डीएम साहब को सजा मिलनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार की इज्जत का सवाल है। दूसरा ट्वीट, माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज में गलत संदेश पहुंचेगा, समाज में गलत असर होगा, इसलिए तत्काल प्रभाव से मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए हमेशा के लिए। तीसरा ट्वीट, योगी मोदी जी, ज्योति मौर्य केस में दोनों को नौकरी से हटाकर समाज के लिए इंसाफ कीजिए। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल हो जाएगा, लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना बंद कर देंगे। और ऐसे ही न जाने कितने ट्वीट, कितने पोस्ट और कितनी स्टोरीज सोशल मीडिया पर वायरल है, यानी पूरा का पूरा सोशल मीडिया ऐसी ही खबरों से पटा पड़ा है। बड़ी तादाद में लोग मांग कर रहे थे कि ज्योति मौर्य की नौकरी छीन ली जाए या उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। अब ऐसे में खबरें भी सामने आने लगी, दावा किया जाने लगा कि ज्योति मौर्य को पद से हटा दिया गया है, उनकी नौकरी को छीन लिया गया है। अब जैसे एक ही ट्वीट देख लीजिए कि एसडीएम ज्योति मौर्य को नौकरी से हटा दिया गया है। दरअसल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई ऐसे वीडियो चल रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया, तो हर तरफ हल्ला होने लगा कि पीसीएस ज्योति मौर्य को नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि इन दावों में और इन खबरों में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ज्योति मौर्य को पद से हटा दिया गया है? क्या वाकई ज्योति मौर्य को नौकरी से हटा दिया गया है? अब ऐसे में बहुत जरूरी थी यूपी तक की पड़ताल, तो यूपी तक की टीम इस पड़ताल में जुट गई। लेकिन यहाँ बात ये कि आलोक मौर्य तो लगातार अपने पक्ष को कैमरे के सामने रख रहे हैं, मीडिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन ज्योति मौर्य कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में यूपी तक की टीम ने ज्योति मौर्य को फोन किया और फोन पर उनसे बातचीत हुई। कॉल पर हुई बातचीत में ज्योति मौर्य ने कई बड़े खुलासे कर दिए। ज्योति मौर्य ने यूपी तक को फोन पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मेरे पति के साथ चीजें सही नहीं चल रही, बहुत सारी दिक्कतें हैं और मैंने पहले से ही डाइवोर्स का केस आगे बढ़ा रखा है। मैं तरीके से डाइवोर्स केस में जा रही हूँ, इससे इतर मेरा कुछ नहीं है। वही पति द्वारा हत्या के आरोप पर ज्योति मौर्य ने कहा, ये जांच का विषय है, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जहाँ जरूरी है वहाँ हमने अपनी बातें रखी हैं। तो ज्योति मौर्य से बात करके पता चला कि वो अपने पद पर तैनात हैं और बिना किसी बाधा के काम कर रही हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि ना तो ज्योति मौर्य को सस्पेंड किया गया है और ना ही उन्हें नौकरी से निकाला गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैल रही तमाम बातें और तमाम दावे महज एक अफवाह ही साबित हुए। यूपी तक की पड़ताल में ज्योति मौर्य की नौकरी जाने वाला दावा एकदम गलत पाया गया। जैसे कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ना इधर ना उधर, यूपी तक सिर्फ फैक्ट्स पर बात करता है, तो आप इन अफवाहों पर कतई ध्यान न दें और सही जानकारी के लिए हमेशा देखते रहें यूपी तक। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।